देखो जो है एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं वो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। अब देखो कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है, लाइक सपोज x अपॉन में y है, ठीक है, तो x अपॉन y क्या है, कोई एक फ्रैक्शन है, तो इसमें जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, यस और नो, और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्लियर हो गई यार बात। अच्छा हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, अगर मैंने x मान रखा है ऊपर वाले के लिए, इसमें कह रहा है 1 अगर ऐड कर देते हो और नीचे वाले में जो है y क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो तुम्हारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस में 1। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा y को बदलने के आ जाओ तो x माइनस में y 1 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस में 1, तो x माइनस में y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2, ये आ गई डेरिवेशन, हर बच्चे को क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आ गई। 1 को उधर लेके चले गए तो -1 -1 -2 हो गया। अब दूसरी बात क्या कहता है हमसे कि भाई इट बिकम्स 1/2, मतलब 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन कब, जब हम ऐड कर रहे हैं 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में। कहने का मतलब क्या हुआ, x तो हमारा ऐसे ही है लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2x और इसकी क्या हो जाएगी, y प्लस में 1, y को कर दिया हो तो 2x माइनस में y इक्वल टू में 1, तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन और ये आ गई थी हमारे पास पहली इक्वेशन। तो बस इधर दोनों को क्या कर देना है हमें, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से करना चाहो एलिमिनेशन मेथड से कर दो, सब्सटीट्यूशन से करना चाहो तो सब्सटीट्यूशन से कर दो, ठीक है, जिससे आपका मन करे। अभी हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2x है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 2 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, पहले वो वाली लिख लेते हैं 2x माइनस में y इक्वल टू 1, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगी 2x माइनस में 2y और माइनस में 4। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो देखना यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 2y में से 1y गया तो प्लस से y बचेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये प्लस का हो चुका है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में जिसमें आपका दिल करे उसमें आप रख दो, जैसे मैं इसमें रख देता हूँ तो x माइनस में 5 बराबर में माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3। क्लियर है, तो आंसर चेक करो क्या है।